फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं कस्टम वॉलपेपर हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। कस्टम वॉलपेपर क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि आप अपनी चॉइस से कोई सा भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये वीवो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे और लॉक स्क्रीन वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे। दोबारा से वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कोई सा भी वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, जैसे कि अपनी चॉइस से कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड में से भी कर सकते हैं या फिर आप इस पे जाएंगे यहाँ पर अपनी गैलरी पर कोई आपकी फ़ोटो वगैरह है वहाँ से भी कर सकते हैं। बट अब हम यहाँ से कर लेते हैं। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करते ही आपसे पूछेगा सेट टू लॉक स्क्रीन, सेट टू होम स्क्रीन, सेट एज बॉट। बॉट कवर कर देते हैं फ्रेंड्स, यानी कि दोनों पर, लॉक स्क्रीन पर भी और होम स्क्रीन पर भी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।